दर्शकों, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की यह तीन गुप्त चीज अवश्य देखनी चाहिए, और कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की तीन चीजों को गलती से भी देख लेता है तो उसके घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है और उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी का वास रहता है। दर्शकों, ज्यादातर पति पत्नी आपस में लड़ाई करते रहते हैं, लेकिन अगर आप पत्नी की तीन गुप्त चीज देख लेते हैं तो आपके जीवन में कभी लड़ाई नहीं होगी और आपका जीवन अत्यंत सुखमय हो जाएगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान साधना टीवी पर। दर्शकों, अगर आप भी मेरे 13 भगवान श्री राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम जरूर लिखें। दर्शकों, मैं भगवान श्री राम जी से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु श्री राम, जो भी भक्त इस वीडियो को पूरा देखेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम लिखेगा, उसके परिवार को सुख शांति और संपत्ति से भर देना और उसके ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। तो चलिए दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप अपनी पत्नी की यह तीन गुप्त चीजें देखते हैं और एक चीज उसकी ले लेते हैं तो आप कभी भी जीवन में गरीब नहीं रहेंगे और आपके सारे काम सदैव समय से होंगे और उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर सदैव बनी रहती है, उसका घर सदैव खुशियों से भरा रहता है। प्रिय दर्शकों, पत्नी की वह कौन सी तीन चीज है जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए, इसको हम आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से आप सभी को समझाएंगे। दर्शकों, आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य सुने ताकि आपको पूरा ज्ञान मिल सके, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है, आधे अधूरे ज्ञान से कभी सफलता नहीं मिलती है। दर्शकों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। दर्शकों, एक बार भगवान विष्णु जी क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे, तभी अचानक से उनके पास देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। तब भगवान विष्णु जी उन्हें देखते हैं तो देवर्षि नारद अपने मन में कुछ सोच रहे थे। उनको यूं चिंतित देखकर भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, लगता है कि आप आज किसी प्रश्न को लेकर चिंतित लग रहे हैं। आप किस बात को लेकर इतना चिंतित है? आप निश्चिंत होकर मुझसे कहिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान विष्णु जी की बात सुनकर देवर्षि नारद उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है और मेरा वह प्रश्न यह है कि स्त्री की वे तीन कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। तब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, आपका यह प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है और आज आपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूं, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फिर देवर्षि नारद भगवान विष्णु जी से कहते हैं, प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी विख्यात करूंगा। प्रिय दर्शकों, अब भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद से कहते हैं, नारद, किसी नगर में एक शिव शर्मा पंडित रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं था, यहां तक कि उसे पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह एक वस्त्र को पहनता था। उसकी पत्नी का नाम सुभद्रा थी। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, किंतु उसकी पत्नी सुभद्रा को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। अपने इसी अहंकार के कारण वह घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी, इसलिए वह शिव शर्मा पंडित ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि अब उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने लगी थी। इस तरह से उसके घर में प्रतिदिन क्लेश होने लगे थे। उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में न तो पीने के लिए पानी है, न तो खाने के लिए भोजन है और न ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। मैं करूं भी तो क्या करूं, तुम तो अब कोई कार्य नहीं करते। हुए अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर
उस शिव शर्मा पंडित को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह शिव शर्मा पंडित बहुत ही चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी कार्य में भी नहीं लग रहा था। फिर धीरे धीरे वह पहले से भी करीब हो गया, इसलिए उसे अपनी जमीन को भी बेचना पड़ गया, लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं आ रहा था, जिसके कारण से वह बहुत ही परेशान रहने लगा था। एक दिन की बात है, वह शिव शर्मा पंडित अपने किसी कार्य से कहीं जा रहा था, तभी अचानक से उसने देखा कि एक संत महात्मा जी अपनी कुटिया के समीप ध्यान साधना में लीन है। तब वह शिव शर्मा पंडित अपने मन में कुछ सोचने लगता है कि यह महात्मा जी मुझे कोई दिव्य पुरुष जान पड़ते हैं, क्यों ना मैं इनके पास चलकर देखूं, शायद ये महात्मा जी मुझे मेरी समस्याओं से छुटकारा दिला दें। इतना सोचकर वह शिव शर्मा पंडित उस संत महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत जोर जोर से विलाप करने लगता है। तब कुछ देर बाद वे महात्मा जी अपनी आंखें खोलते हैं और वे देखते हैं कि उनके सामने एक पंडित बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करते ही जा रहा है। फिर वे महात्मा जी उस शिव शर्मा पंडित से कहते हैं कि हे पुत्र, तुम कौन हो और विलाप क्यों कर रहे हो। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह शिव शर्मा पंडित उनसे कहता है कि हे महात्मा, मैं इस नगर का एक गरीब पंडित हूं और मेरा नाम शिव शर्मा है और मैं इस वजह से विलाप कर रहा हूं क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे लड़ाई झगड़ा करती है और मुझे ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है, इसी तरह के ताने मेरी पत्नी प्रतिदिन मारती रहती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूं फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूं जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूं। शिव शर्मा पंडित आगे कहता है, विप्र, आप मुझे वह उपाय बताएं जिसको करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करें और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। उस शिव शर्मा पंडित की बातों को सुनकर वे महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले विलाप करना बंद करो, मैं तुमको तीन चीजें बताने वाला हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता है। दर्शकों, उन संत महात्मा जी की बात सुनकर वह शिव शर्मा पंडित उनसे कहता है कि हे मुनिवर, आप देर ना करते हुए मुझे उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए, मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूं। तब वे संत महात्मा जी उस शिव शर्मा पंडित से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है, मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए, तो चलो मैं अब तुमको वे तीनों चीजें बता देता हूं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की उन तीनों चीजों को अवश्य देखना चाहिए, लेकिन मैं तुमको उन तीनों चीजों के बारे में एक महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूं, इसलिए तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कथा को सुनना होगा। उस महात्मा जी की बात सुनकर वह शिव शर्मा पंडित उनसे कहता है, हे महात्मा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। प्रिय दर्शकों, वे महात्मा जी उस शिव शर्मा पंडित से कहते हैं कि हे पुत्र, किसी नगर में एक मणिराम नामक एक मणिराम व्यापारी रहता था, वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उस मणिराम व्यापारी और उसकी पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था, वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, इसलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का आवाज बना रहता था, उसे अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। मणिराम व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे, जिसकी वजह से कुछ स्त्रियां तो मणिराम की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थीं। उसकी पत्नी दिन संध्या काल के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित करती थी, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा भी करने से रोकती थीं और कहती थीं कि तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक प्रज्वलित करती हो, ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा, तुम ऐसा मत किया करो। किंतु वह किसी की बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और अपनी मनमर्जी किया करती थी, यहां तक वह अपने पति की भी कोई भी बात नहीं मानती थी, वह अपने अनुसार घर को चलाती थी
और वह मणिराम भी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना नहीं करता था, क्योंकि वह मणिराम व्यापारी बहुत बुद्धिमान था। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित है कि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होगा, जिसकी वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग पाएगा और व्यापार में हानि होने लगेगी। साथ ही साथ वह मणिराम अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन उसकी पत्नी उससे ज्यादा प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस मणिराम के सामने दिखावा मात्र का प्रेम जताती थी और अपने पति से नाराज भी हो जाती थी। किंतु किसी तरह से वह मणिराम अपनी पत्नी को मना लेता था। इसी तरह से दिन गुजार रहे थे और वहां मणिराम व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और उस नगर के सभी लोग उस मणिराम व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम का उदाहरण देने लगे थे। फिर जब यह बात उस नगर के राजा विक्रम को पता चली कि मणिराम व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ, उस मणिराम और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में ले आओ, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन्हें कुछ भी मत बताना। राजा की आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक उस मणिराम के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद वह मणिराम व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि उसके सामने राजा के सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह मणिराम व्यापारी उन सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं। फिर वे सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। फिर राजा के वे सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजमहल ले आते हैं। राजमहल में पहुंचकर राजा उस मणिराम व्यापारी और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन दे देते हैं, जिसको पाकर वह मणिराम और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में मणिराम और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण दीप प्रज्वलित किए जाएं, जिससे उस मणिराम व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की सराहना हो। प्रिय दर्शकों, राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोगों के घरों में दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं, किंतु उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ जाते हैं, लेकिन उस मणिराम व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर फैल रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि क्यों ना अब मैं बाहर चलकर देखता हूं कि किस किस ने अपने घरों में दीपक प्रज्वलित करें है और किसका दीपक अभी भी प्रज्वलित हो रहा है। इतना अपने मन में सोचकर वह राजा अपने महल से उस नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी घर में भी कोई दीपक नहीं जल रहा है, लेकिन उस मणिराम के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी चल रहा है। राजा उस नगर के तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उनकी रानी आ जाती है। तब राजा साहब रानी से कहती हैं कि रानी जी, नगर की तरफ देखिए, नगर के सभी घरों में कोई भी दीपक अभी नहीं चल रहा है, लेकिन अभी भी उस मणिराम व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी चल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस मणिराम व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज्यादा प्रेम है और उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह मणिराम व्यापारी है, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाता है, लेकिन रानी राजा की बात से सहमत नहीं होती है और राजा से कहती हैं कि हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। फिर राजा और रानी के बीच में तलवारें तक चलने लगती हैं, जिससे राजा और रानी को कई चोट भी लग जाती है। तभी अचानक से राजा ने रानी से कहा कि हम दोनों यह लड़ाई क्यों कर रहे, क्यों ना हम उस मणिराम व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लें, जिससे पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती है और कहती हैं कि ठीक है, मैं पहले उस मणिराम व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहती हूं। फिर राजा साहब भी कहते हैं ठीक है रानी जी, आप जैसा चाहे वैसे मणिराम व्यापारी की परीक्षा ले सकती हैं। फिर रानी
कुछ सैनिकों को बुलाती है और उससे कहती है, जाओ उस मणिराम से कह देना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डालेगा तब मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में बंद कर दूंगी। राजा के स्थान पर उसके सिंहासन पर मैं उसको विराजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर वे सैनिक उस मणिराम व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं। शाम होने वाली थी और मणिराम की पत्नी कहीं गई हुई थी, लेकिन वह मणिराम घर में ही था क्योंकि वह थोड़ा सा बीमार पड़ गया था। फिर वे सैनिक उस मणिराम के घर के पास पहुंचकर उसके द्वार के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। तब दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनकर वह किसी तरह से दरवाजे को खोलता है तो वे सैनिक उस मणिराम से कहते हैं, सुनिए, रानी साहिबा का आदेश है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तब रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागार में डाल देंगी, फिर आपको उनके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देंगी, नगर में आपका राज हो जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर वह मणिराम उन सैनिकों से स्पष्ट रूप से कहता है कि जाइए रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं और अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और बात रही रानी साहिबा से विवाह करने की, तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, चाहे वे मुझे अपना सिंहासन ही क्यों ना दे दें, मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को भी नहीं दे सकता हूं। फिर उस मणिराम की बातों को सुनकर वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस मणिराम द्वारा बताई गई बातों को बता देते हैं। उसके बाद राजा रानी से कहता है कि देखा ना कि वह मणिराम व्यापारी कितना समझदार है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि मणिराम व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह मणिराम ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है, आप यह कैसे कह सकते हो, आपने अभी तक उस मणिराम की पत्नी की परीक्षा तो ली ही नहीं है। फिर राजा कहता है कि ठीक है, मैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेता हूं। तब राजा भी कुछ सैनिकों को बुलाता है और उनसे कहता है, जाओ और इस नगर में रहने वाले उस धनवान मणिराम व्यापारी की पत्नी से कहना कि अगर वह अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। प्रिय दर्शकों, वे महात्मा जी उस शिव शर्मा पंडित से आगे कहते हैं, हे पुत्र, राजा की आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक उस मणिराम के घर की तरफ निकल जाते हैं। जब वे सैनिक उस मणिराम के घर जा रहे थे तब वे देखते हैं कि उस मणिराम व्यापारी की पत्नी पानी लेकर आ रही है, और जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंच जाती है तब वे सैनिक उस मणिराम की पत्नी से कहते हैं कि राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर आप अपने पति को मृत्यु के घाट उतार दोगी तब राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें पटरानी बनाकर रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर मणिराम की पत्नी अपने मन में सोचने लगती है कि राजा साहब मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, तब तो बहुत अच्छा है, मैं अपने पति को आज ही मार ही डालती हूं। अपने मन में इतना सोचकर वह उन सैनिकों से कहती है, ठीक, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब वे सैनिकों से कहते हैं कि लेकिन राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। फिर मणिराम की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, संध्या काल के समय जो दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूं उसके थोड़ी देर बाद मैं अपने पति को मौत के घाट उतार दूंगी और राजा साहब को संध्या काल का वह दीपक बुझाकर इशारा दे दूंगी। उस मणिराम की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं, हे राजन, मणिराम की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो इस बात को सुनकर रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस मणिराम की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दय है, वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस मणिराम के प्राण संकट में हैं। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जाओ
और उस मणिराम की पत्नी से कह देना कि वह मणिराम व्यापारी को न मारे। दर्शकों, राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए मणिराम व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं। हैं तो वे देखते हैं कि उस मणिराम व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक मणिराम व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम मणिराम को शाम को मौत के घाट उतार होगी, लेकिन तुमने मणिराम को दिन में क्यों मार डाला। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस मणिराम की पत्नी उससे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को कभी मार ही नहीं पाई और मैंने सोचा कि दिन में पति को मौत के घाट उतार देती हूं, दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। दर्शकों, मणिराम की पत्नी आगे कहती है, तो सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे। तब उन सैनिकों ने कहा, यह तो आप चलकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर मणिराम की पत्नी और मैं सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और वे सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और मणिराम की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। प्रिय दर्शकों, वे महात्मा जी उस शिव शर्मा पंडित से कहते हैं, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे तीनों चीजों को बता देता हूं जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लैश नहीं होता है। तो पहली चीज, अपनी पत्नी में यह देखनी चाहिए कि पत्नी कहां आ रही है, कहां जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन चीज को देखता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी होता है। दूसरी चीज, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, वह है बोलचाल। दर्शकों, प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखना चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, उसकी इज्जत करती है कि नहीं। इस चीज को भी प्रत्येक पुरुषों को आप पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। तीसरी चीज, प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपने ही मनमानी पर चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती हैं, तब उसका भी हाल उस मणिराम व्यापारी की तरह ही हो जाता है। दर्शकों, भगवान विष्णु जी देवर्षि नारद से कहते हैं, हे नारद, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवर्षि नारद भगवान विष्णु जी से कहते हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य विख्यात करूंगा। प्रिय दर्शकों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो आप समझ गए होंगे कि पत्नी की वह कौन सी तीन चीज है जो हर पुरुष को अवश्य देखनी चाहिए। दर्शकों, आपको यह कथा कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपके अंदर कोई प्रश्न है जो कि नहीं समझ में आया तो वह भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। दर्शकों, ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।